So Sabasta, I said, and SBI means subsidy body for implementation. Subsidy body for SBI, and this is, I said, that which one? Sabasta. SBI means subsidy body for implementation. Sabasta means subsidy body for science and tech advisory. Understood? Science and tech. और ये आईपीसीसी अपनी रिपोर्ट किसको देगा? सबास्ता को देगा. साइंस एंड टेक का एडवाइजरी बॉडी कौन है? सबास्ता. आईपीसीसी विल गिव देयर रिपोर्ट टू हुम? टेल मी. सबास्ता उसको फिर पढ़ेगा एंड देयर आफ्टर ही विल गिव इट टू द व्हाट? एवरी ईयर मीटिंग. एवरी ईयर क्या है? मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में अकॉर्डिंगली द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी विल टेक व्हाट डिसीजन, और दैट ईयर दैट डिसीजन शुड बी फॉलोड. और वो फॉलो हुआ या नहीं हुआ, हु विल लुक आफ्टर? सब्सिडी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन. यस आर नॉट? अगेन समझ में आ गया. व्हाट इज आईपीसीसी? IPCC means, I said, that Intergovernmental Panel on Climate Change. Yes or not? सारे देश के पैनल से हम लोग क्या लेते हैं? Climate change related issues. And then we stood, I said that, हम लोग उसके बाद उसके पर assess करते हैं, review करते हैं, and we have given how many assessment reports? Five. And who gives? IPCC. वो फिर IPCC किसको देगा? Yes, tell me. Sabasta. And Sabasta has taken the fifth assessment report. And then every year on the basis of that, I said that report, he is assessing it. And then some issues are keep on coming. Is it clear? And uspe decision every year, who takes? COP in their conference of party. Or ye to rules and regulation lega. Lekin jo mop mein baithenge, wo to kya ho jayega? It has to be followed. And then SBI usko kya karega? Tell me. इम्प्लीमेंट करेगा. आपको यूएनएफसीसी समझ में आ गया? क्लियर हो गया? व्हेन द आईपीसीसी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, व्हिच आर द टू ऑर्गेनाइजेशन एंड देन व्हिच आर द थ्री मैकेनिज्म? आईईटी, सीडीएम, जेआई. ये ज्यादा याद रहेगा, जो मैंने आपसे बुलवाया था ना, आईईटी, सीडीएम, जेआई. बाद में आप आईटी से इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग ऐसे कर लेंगे. यस, सीडीएम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड देन. सो वी हैव फिनिश्ड विद, आई सेड दैट दिस क्लाइमेट चेंज रिलेटेड. यस सर. नाउ वी हैव टू सी, लाइक आई सेड दैट इन 2018 व्हाट हैज बीन टेकन प्लेस? कैटो वाइस एग्रीमेंट लिखेंगे इन 2018. ये पोलैंड में है. दिस सिटी इज इन विच? पोलैंड. कैटो, के टी ओ डब्ल्यू आई सी, कैटो वाइस एग्रीमेंट. के ए टी ओ डब्ल्यू आई सी आई, कैटो वाइस. कहां पर है? पोलैंड. पोलैंड. सो दिस एग्रीमेंट इज नॉन एज, जस्ट टेल मी. लिखेंगे, पहले सुन लेंगे. इन द कैटो वाइस एग्रीमेंट अ रूल बुक हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड इट वॉज सेड ड्यूरिंग द पेरिस एग्रीमेंट 2015. इट हैज बीन सेड ड्यूरिंग व्हाट? यस आर नॉट? इट हैज बीन सेड ड्यूरिंग विच पीरियड? पेरिस एग्रीमेंट 2015. एंड इन द 2018 वी स्टार्टेड व्हाट? आई सेड दैट इंप्लीमेंटिंग. क्योंकि 2014 में क्या मिला था मुझे? एआरसी. Yes or not? इसलिए 2015 का क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट होगा. Yes or not? And in the 2015, what we have done? Yes, tell me. Paris Agreement. और उसमें which book has been prepared? Tell me. किसकी बात की गई थी? Rules? Rule? और इसमें बोला गया था कि every nation should have their determination for their contribution in reducing ग्रीन हाउस गैस. मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बोलने जा रहा हूं. क्या बोल रहा हूं? यस, टेल मी. नेशनल डिटर्मिनेशन कंट्रीब्यूशन. नेशन डिटर्मिनेशन. आप
अपने तरफ से हाउ मच यू आर डिटरमिंड टू कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस, हाउ मच एफर्ट यू आर टेकिंग टू रिड्यूस. क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है वो लोग ही नहीं आ रहे, तो हम क्या कर सकते हैं. सो वी हैव टू गो अकॉर्डिंगली. ऐसा ना, इफ द यूएसए इज नॉट कमिंग, हु इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस, देन वी हैव टू डू समथिंग लाइक दिस. ऐसा ना, इज इट क्लियर? क्या बोला मैंने, टेल मी विच वर्ड हैज बीन यूटिलाइज्ड. रूल बुक्स. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल बुक्स? एज पर द रूल बुक्स इट हैज बीन सेड और असाइंड टू एवरी नेशन दैट दे शुड हैव नेशन डिटर्मिनेशन कंट्रीब्यूशन सो दैट दे कैन रिड्यूस ग्रीन गैस. जो छोड़ दो, बोलते ग्रीन हाउस गैस. सो इट इज इन एवरी नेशन. सो राइट डाउन, ग्रीन गैस हाउस. सो लिखेंगे, एज पर द पेरिस एग्रीमेंट अ रूल बुक हैज बीन discussed in which every nation should put their effort to reduce greenhouse gas. Every nation have to put effort to reduce their. And this is considered as nation. This is considered as nation determined contribution. ये क्या है? Yes, tell me. ये क्या? India. India has also their what? Indian nation determined contribution. It is clear? So, nation determined and in likhenge, in this Katowice agreement it has been accepted. In this Katowice agreement it has been Which agreement has been accepted? ये बात जो हमने देखा है एनडीसी का जो है इसको क्या कर लिया गया? Tell me. Accepted. Understood it? Next point I said that लिखेंगे USA, Canada. Next point USA, Canada, Kuwait, Saudi Arabia. Like country did not accept the IPCC report of increase of temperature by 1.5 degrees Celsius. Increase of temperature by. और ये हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, इंडिया हैज एक्सेप्टेड, बट द सम कंट्री दे सेड दैट दे आर नॉट एग्रीड ऑन कि ये टेम्परेचर होगा. इसीलिए तो वो जो बेवकूफ है कौन, इसीलिए तो खिल्ली उड़ाया था ये, इससे पहले हुआ. एंड देन जनवरी फरवरी में दिस स्नोफॉल हैज बीन टेकन प्लेस. और ये कैटोवाइस कब का है? दिसंबर मंथ का. Therefore he has said that अच्छा ये ग्लोबल वार्मिंग है, उसको पता ही नहीं है क्या है. उसको एक फिल्म दिखानी होगी, एक फिल्म आया था वही यूएसए का बना हुआ था, डे आफ्टर टुमारो जाके देख लो, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड वॉट कैन हैपन.
क्लाइमेट चेंज की वजह से ही क्या हुआ था डे आफ्टर टुमारो, जिसमें कि द होल द नॉर्थ पार्ट ऑफ अमेरिका एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया विच हैज बीन फ्लडेड विद आइस, आइस एज हैज कम। सो वहां के लोग ही हंस रहे होंगे, अच्छा मैंने किसको बना दिया, डेली मुझे जोक पास करता है। सो वी हैव बीन एबल टू सी दिस। नेक्स्ट वन, क्या इक्विटी प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्टिंग? स्टिल द एग्रीमेंट हैज नॉट, इक्विटी एस्पेक्ट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। लिखेंगे स्टिल इक्विटी एस्पेक्ट और कार्बन क्रेडिट, इक्विटी एस्पेक्ट एंड कार्बन क्रेडिट कंसेप्ट बिटवीन डेवलप्ड नेशन एंड डेवलपिंग नेशन इज एन एजेंडा इन विच। कौन कौन से नेशन डिमांड करेंगे कार्बन क्रेडिट? बताया है मैंने बार बार, इंडिया, चाइना एंड ब्राजील। क्या है? इन विच इंडिया, चाइना एंड ब्राजील वेयर आस्किंग फॉर देयर क्रेडिट, आस्किंग फॉर देयर कार्बन क्रेडिट। इज इट ओके? It will be much more sufficient for your what? This. So हम लोगों ने finish किया, आपको समझ में पूरा आ गया? फटाफट मैं एक बार बोलता जाऊंगा जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए। Yes. हमने क्या देखा? 1992 UNFCCC climate change. And we have seen, I said, 1994 के बाद 1995 में first COP, 1997 Kyoto Protocol, 2001 I said that Marrakesh Accord. 2005 it is forced, and then we have been able to see, like I said, that kya dekha humne, greenhouse gases, these are the carbon dioxide, methane, nitrous oxides, hydrofluorocarbon, perfluorocarbon, sulfur, hexafluoride. Mujhe shayad yaad hai, aap log ye karke mat bologe sir, sahi ja rahe ho. I said, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप लोग भी अपनी तरफ से लिप्स मूव करा सकते हो, हल्ला नहीं कर सकते हो, बट यू कैन, क्योंकि ये चीज़ें जितना आप बोलोगे उतना ही आपके दिमाग में आएगा। आप अभी खुश हो जाओगे, मुझे तो सारा समझ में आ गया घर में, अच्छा वो कौन था IET क्या था, याद रहेगा तो आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा। इसीलिए बोला जाता है कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स आपके आंसर राइटिंग को बहुत अच्छा बना देता है। आपको भी समझ में आ रहा होगा, दोनों चीज़ बहुत जरूरी है। यदि ओनली यू आर वर्किंग ऑन कंसेप्ट यू कांट राइट बेटर आंसर, इफ यू हैव एन फैक्ट्स आल्सो यू कैन बी एबल टू राइट बेटर आंसर। सो क्या था? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस, ये हमने बताया। उसके बाद वी हैव कम ऑन टू व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, एंड यू अंडरस्टैंड वी आर टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू वन यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वार्मिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दैट। And then we have been able to see, उसके बाद annex one, OECD plus EIT, annex two only OECD, technology and financial, and technology किसको देगा? Developing as well as EIT, but financial only two, annex A that there is greenhouse gases, annex B it is in a first commitment period and second commitment period, first commitment period 5% of the base level of what? 1990, and then 18% is below, it is what? At least 18%, उससे below जितना भी आप जाओ। It is, I say, thereafter we have been able to see, क्या देखा था? Three mechanism. Which are the three mechanism? IET, CDM and then joint implementation. IET के साथ assigned amount unit, और उसकी वजह से the एक country क्या बन जाएगा? Carbon market, another he will purchasing, then there will be a carbon trade. Yes or not? And we have been able to see there is in a CDM, it is in a between annex B country and developing nation. And then environmental project, yes or not? Environmental में technology लगे या finance लगे? It is scale up. And on the basis of that, he is giving what I said? CER, certificate for emission reduction. And then same चीज joint implementation में है, लेकिन between what? Two annex B countries, yes or not? Thereafter we have been able to see what is the meaning of IPCC.
IPCC is what I said, that Intergovernmental Panel on Climate Change. It has been established with the help of WMO Plus in 1988. And we have been able to see uska role, koi research kaam nahi hai, collection ka kaam hai, yes. And assessing and reviewing and thereafter submitting assessment report. Aur ye assessment report COP ke kis body ke paas jata hai? Sabasta. Subsidy Body for Science and Tech Advisory. And then he will see accordingly and he will submit to the COP. Aur kab kiya gaya, yes, tell me? 2040, fifth assessment. And thereafter it is keep on happening, yes or not, every year. Or jab every year the COP taking decision on the basis of that, there will be an SBI is there. Subsidy Body for Implementation. Yes, Anna. Clear hai, samajh mein aa chuka. The next part that we are going to see, what? Diversity. So next part is what? Who is IPCC? Samajh mein aa raha? Jo role IPCC play kar raha hai, report dene ka kaam, wahi role karega MEA. Who karega? What is the name? MEA, Millennium Ecosystem Assessment. Millennium, what the name I said, that Millennium Ecosystem Assessment. Can you remember Millennium Ecosystem? Wahan pe jo IPCC, he was putting their assessment report to the COP. The same way here it is, who is doing? MEA. He is giving their, what I said, that assessment report to whom? COP of Convention on Biodiversity. Yes or not? It is clear. क्योंकि आप कोरिलेट करके थोड़ा सा आइडिया दे दिया, जिसे आगे मैं चलूं तो आपको दिमाग में रहे, याद रहे कि IPCC, MEA दोनों का रोल क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा. कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. इसकी जो मीटिंग होती है कॉप, ये क्या है? कन्वेंशन. और जब प्रोटोकॉल के लिए बैठेंगे तो क्या बोला जाएगा? बताया था मैंने, सीएमपी नहीं, कॉप मॉप. इसमें क्या बोलेंगे? कॉप मॉप. अंडरस्टूड? द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी विच इज सिटिंग फॉर द मीटिंग ऑफ पार्टी. और क्लाइमेट चेंज में उसको क्या बोला जाता था? यस, टेल मी, सीएमपी. यस आर नॉट? सीएमपी. थोड़ा सा डिफरेंस तो दिखना चाहिए, क्लाइमेट चेंज के लिए बैठ रहा है कि किसके लिए बैठ रहा है. सो इट इज अ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड दे आर सिटिंग एवरी टू इयर्स. एवरी दे आर कॉप सिटिंग मीटिंग, कॉप मीटिंग इज एवरी, जबकि क्लाइमेट चेंज एवरी ईयर. यस आर नॉट? क्लाइमेट चेंज इट इज एवरी ईयर. डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन एवरी टू ईयर्स. तो इन तीनों में केवल क्लाइमेट चेंज इज सिटिंग एवरी ईयर एंड देन बायोडाइवर्सिटी टू ईयर्स एंड डेजर्टिफिकेशन टू ईयर्स. कैन यू रिमेंबर? सो आई सेड दैट टू ईयर्स वी हैव बीन एबल टू सी. फर्स्ट टाइम 2000 में क्या हुआ था? मेरे साथ बोलेंगे, काटे गाना, नागोया, काटा गेना, काटा गेना है, काटा गेना, नागोया. ये क्या है? ये कहां से निकल कर आया? बायोडाइवर्सिटी में से. कहां से निकल कर आया? और फिर क्या किया? काटा. तो पहले काटा किसने काटा? नाग ने. तो पहले विच प्रोटोकॉल कैम? काटा गेना प्रोटोकॉल एंड देन विच प्रोटोकॉल? नागोया. So in the 2000, which protocol established? Kata